राइट सो गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट मैंने 3 महीने का तो गैप ले ही लिया है। रमज़ान के बाद से कोई ब्लॉग नहीं आया, मतलब रमज़ान के पहले एक लास्ट ब्लॉग आया था, उसके बाद जब से रमज़ान चालू हुआ तब से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, कुछ नहीं, एकदम गैप ले लिया था। बट जैसे ही मानसून चालू हो गया, बैक टू रूटीन, क्योंकि हर मानसून में मैं कोई ना कोई सीरीज़ चालू करता हूँ, तो इस मानसून में भी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक पहले तो हैबिट करने के लिए ब्लॉग है, क्योंकि मैं 3 महीने के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ। और क्या देखो ना, क्या क्लाउडी क्लाइमेट हो गया अभी, इधर तो धूप लग रही है, बट मैं होप कर रहा हूँ कि आगे हम लोग को मस्त छाव और शायद बारिश भी मिल सकती है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ये कोकन। कोकन मतलब फॉर श्योर है कि उधर बारिश मिलने वाली है, बस ये धूप नहीं बर्दाश्त हो रही है इधर, और इतना धूप में निकलने का प्लान मतलब क्या ही बोलूँ यार। थे कुछ और भी काम थे जो रात भर चले, एक तो सच में बोल रहा हूँ तुमको मेरी हालत नहीं मालूम है, मैं पूरी नाइट जगा हूँ, और नाइट करके अभी मैं सुबह और भी थोड़े बहुत काम थे सब किया, पूरी रात बिना सोए था मैं, और अभी ब्लॉक के लिए निकला हूँ। और हमारी राइड रहने वाली है कोकन की, जो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर है मिनिमम। चैलेंजिंग राइड, मतलब इतने दिन के बाद एक तो गैप लेके आया हूँ, उसमें आने के साथ ही चैलेंज ले लिया हूँ, तभी तो मज़ा आएगा यार। देखेंगे अपने आप को कितना एक्सट्रीम लेवल तक लेके जा सकता हूँ, बट मेरे को लग रहा है कि आज मेरी हालत होने वाली है, क्योंकि मेरे आँख में पूरी नींद है, बट होप फॉर दी बेस्ट। और सबसे पहले तो दुआ करूँगा कि ये धूप हट जाए यार, मेन तो धूप फ़िलहाल बहुत तकलीफ़ दे रही है, बहुत बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। सो अभी हम लोग आ गए ऑलमोस्ट पनवेल, तो अभी इसमें क्रॉस कर रहा हूँ, पनवेल तो क्रॉस हो रहा है अपना। अभी मैं इधर से पड़स्पा, पड़स्पा से हम लोग पकड़ेंगे ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे। तो इस ब्लॉग के साथ साथ तुम लोग को ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे में क्या अपडेट हुआ है, अभी वो रोड कैसा है, क्या है, सब अपडेट मिल जाएगा, तो वो भी एक आपको इस ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ यार मेरे को तो लग रहा है आगे बहुत बारिश आने वाली है, क्योंकि उधर देखो पूरा अंधेरा हो गया है, और अभी इधर से भी क्लाइमेट चेंज होने लग गया है। क्या बोला था मैंने, एक बार ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे पर आ गए ना, तो उधर बारिश तो फॉर श्योर लगेगी। जैसा ओल्ड मुंबई गोवा स्टार्ट किया मैंने, देखो इधर पूरा क्लाइमेट एकदम ही चेंज हो गया। जैसे ब्लॉग का स्टार्ट आपने देखा रहेगा, मस्त धूप में हुआ था, और इधर आके पूरा चेंज। वेदर वैसा तो क्लियर है, मगर बारिश कभी भी आ सकती है इधर, क्लियर इन द सेंस पूरे बादल तो आ गए पर बारिश नहीं हो रही है अभी तक। बस ऐसा वेदर रहेगा ना यार, सबसे सॉर्टेड रहेगा, ना बारिश चाहिए ना धूप चाहिए, बस ये ठंडी हवा चल रही है इधर। और किलोमीटर मैंने ऑलरेडी 0 कर दिया था, तो एक अप्रॉक्स आप लोग को भी पता चल जाएगा एग्जैक्टली कितना किलोमीटर का ये राइड हुआ है हमारा। मेरे हिसाब से तो 200 किलोमीटर वन साइड आराम से होने वाला है, यानी कि अप डाउन दोनों भी अगर देखा जाए तो 400 किलोमीटर का राइड होने वाला। ये देखो सामने जो आप लोग को दिख रहा है, आई डोंट नो कैमरे में कितना अच्छे से आप देख पा रहे हो, मगर वो सामने जो दिख रहा है वो करनाला फोर्ट है, और एकदम क्लियर दिख रहा है, इतना क्लियर कभी नहीं दिखता। आज कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर क्लाइमेट क्लियर है। भी बोलो बाकी इलेक्शन के बाद में ना रोड पूरा चेंज दिख रहा है ये, वरना पहले तो ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे का तो खौफ बन गया था लिटरली। पहले भी इधर मैंने राइड किया है, बट इधर जाने के लिए मैं खोपली वाले रोड से पहले पाली तक जाता था, फिर पाली के आगे फिर मतलब ये रोड पकड़ता था, क्योंकि बीच में इतना खराब था ये रोड का, मतलब इधर आना मतलब पूरे हड्डियों की सर्विसिंग। बट अभी अच्छा खासा रोड को खर्चा किया है इधर, इलेक्शन का नतीजा, इलेक्शन भाई इलेक्शन। तो जैसे मैंने बोला रोड का काम सब चालू है, रोड पूरे नहीं होते, कभी ऐसे नहीं हुआ है कि ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे के ऊपर कभी कोई रोड पूरा मिला हो, क्या हाँ ये डेस्टिनेशन से वो डेस्टिनेशन तक पूरा रोड सॉर्टेड मिला, किधर काम चालू नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस एक प्रॉपर रोड। तो इधर बीच में अभी एक काम चालू है रोड का, बट बोल रहे ना ऑलमोस्ट 70% जो लोग ने रोड अच्छा कर दिया है अभी, तो 30% है वो बीच बीच में कुछ पैचेस है या फिर ऐसे कुछ रोड के काम चालू है। हम लोग को एक चीज़ नहीं समझ रही, आर आर भाग नहीं रही है हमारी,
ये बहुत दिनों से खड़े रखने का नतीजा है शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है इसका हवा कम हो गया है इस वजह से भाग नहीं रही है, क्योंकि मेरे को बाकी तो कोई इशू नहीं लग रहा है, बट हवा में थोड़ा डाउट लग रहा है कि मेरे को आगे की टायर की हवा कम लग रही है। इधर भी बारिश होके तो गई, अच्छी खासी ग्रीनरी हो गई है यार, पता ये देख नींद में चलते हैं लोग। सबसे बेस्ट काम तो स्काई कर रहा है इधर, क्या मस्त स्काई हुआ देखो। अरे 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 पूरा ट्रक पलटी हो गया ये। ऐसा कुछ देखो तो दिल बैठ जाता है भाई, और ये लोग को तो क्या ही बोल सकते हैं, ये रात के किंग रहते हैं लोग। अभी तक तो रोड एकदम प्रॉपर है, मतलब ऐसा कुछ तकलीफ रोड के थ्रू तो नहीं हुई है। अगर पाली तक ये रोड सॉर्टेड रहा ना ऐसे ही, तो फिर आप लोग बिंदास आ सकते हो ये रोड से, क्योंकि पाली का अगर रोड अच्छा है, अगर ये रोड का काम पाली तक हो गया है ना, तो भाई बिग थम्स अप गोवा के लिए। जो लोग भी गोवा जाना चाहते हैं फिर यही रूट यूज़ करना, क्योंकि ये बहुत सीनिक रोड है, और पहले जो प्रॉब्लम था कि रोड ख़राब है, अभी तो वो भी सॉर्टेड हो गया है, क्योंकि अभी तक तो मेरे को ऐसा किधर लगा नहीं है कि रोड ख़राब है करके। तो पहले के हिसाब से तो बस बीच बीच में ऐसे थोड़े कुछ पैच आते हैं, थोड़ो बस पैच है कि भूख मिटाते हैं, क्योंकि इसका भूख मिटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसने अगर बीच में धोखा दे दी तो फिर हो गया। फुल कर देना, अभी भी इधर से 136 किलोमीटर दिखा रहा है, ये मैंने डायरेक्ट होटल का लोकेशन डाला है अपना, सो टाइम दिखा रहा है 3.5 घंटा और, ठीक है, मतलब अभी 1 बजने आ रहा है, 3.5 मतलब 4:30 बजा देगा ये। ये देखो ये बिल्डिंग के टाइल्स रोड पे लगा के रखी है, क्या बोलूं कौन सी सरकार है इधर, बिल्डिंग में लगाने वाली टाइल्स यार रोड पे लगा के रखी है, क्या बताने का यार। फाइनली अभी पाली क्रॉस किया यार, होप सो इसके आगे रोड अच्छे ही रहेंगे अभी, मतलब पाली क्रॉस हो गया मतलब ऑलमोस्ट आधा रास्ता नहीं बोल सकते, आधा रास्ता अभी भी बाकी है। अरे रे इसके बाद तो अच्छे रोड की उम्मीद किया था, ये तो टूटे हुए रोड से आ रहा, रोड ही नहीं बोल सकते इसको तो, क्या रे। रियल स्ट्रगल है ये, पता नहीं कब ये पूरा रोड बनने वाला है, कौन से साल हो जाएंगे कि ये रोड पूरा मिलेगा बना हुआ, क्या बाबा हाँ बिंदास हम निकल सकते हैं ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे पे। बाकी पाली अभी क्रॉस हो गया हमारा, अभी मैप में तो दिखा रहा है 125 किलोमीटर, यार मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ या रोड ही, अरे रोड ही वैसा यार, क्या स्लो जा रहा हूँ मैं भी, मैं तो अपने एंड से पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना डिस्टेंस खींच लूँ, बट रोड खींचने देगा तब ना। बाकी ये मानसून सीरीज़ का प्लान बता देता हूँ आप लोग को, ये मानसून सीरीज़ में मैंने ये सोचा है कि महाराष्ट्र में जितने भी फेमस घाट है, जैसे मार्शेज हो गया, तामिनी हो गया, खंडाला घाट तो चलो नज़दीक ही है, कसारा घाट हो गया, जो भी फेमस घाट है ना, ऐसे मैं 5 से 6 घाट शॉर्टलिस्ट करूँगा, और इस मानसून सीरीज़ में हम हर एक घाट का एक्सप्लोर करेंगे। एक जो सीरीज़ बनेगी वो सिर्फ घाट की रहेगी,
हमेशा मैं वाटरफॉल की एक सीरीज़ बनाता हूँ या फिर मानसून में मैं कुछ अलग अलग करता हूँ, बट इस बार सिर्फ सीरीज़ जो बनेगी वो सिर्फ घाट की रहेगी, यानी कि हम हर घाट ट्राई करेंगे इस बार। और भी घाट मैंने ऐसे टोटल 5 से 6 घाट मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखे ऑलरेडी, और बस जैसे प्रॉपर बारिश हो जाती है रोड एकदम मतलब ग्रीनरी हो जाती है पूरी। अभी ऐसा ये चलो कोस्टल साइड है इसके लिए इधर तो बारिश होती रहती है ज़्यादा करके, इसमें यहाँ पे ग्रीनरी दिख रही है मगर अभी तक इतनी ग्रीनरी नहीं हुई अपने इधर पे, तो थोड़ा वेट करेंगे उसका और थोड़ा बारिश होने तो पूरा प्रॉपर ग्रीनरी हो जाए तो फिर अपनी मानसून की घाट सीरीज चालू करेंगे, सभी घाट एक्सप्लोर करने मज़ा आएगा इस बार। सो ब्लॉग में बने रहो क्योंकि हाँ आई नो मैंने बहुत बड़ा गैप ले लिया था, बट अभी नहीं, अभी कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे, हर वीक में एक ब्लॉग तो आना ही आना है क्योंकि हर वीकेंड में मैं एक घाट एक्सप्लोर करने जाऊंगा ही जाऊंगा फॉर श्योर। तो बने रहो ब्लॉग में ऐसे ही, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अभी जो सीरीज़ आने वाली है वो लिटरली यार वो नेक्स्ट लेवल रहेगी। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर दो क्योंकि हर राइड की प्लानिंग और हर राइड का अपडेट पहले इंस्टाग्राम पर मिलता है, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कर लेना। अभी यहाँ से तो रोड अच्छा खासा दिख रहा है, मतलब मेरे को नहीं लग रहा है कि अभी इधर स्पीड कम करने का ज़रूरत पड़ेगा, होप्स हो के ना पड़े क्योंकि अभी स्पीड कम करना मतलब नींद को इनवाइट कर रहा हूँ मैं, ऐसे हो रहा है थोड़ा ये 70-80 में रहूँगा तो बाइक एवरेज भी देगी, स्पीड भी मेंटेन रहेगी तो डिस्टेंस भी अच्छे से कवर होगा। बाकी थोड़ा अभी भूख भी लग रहा है यार, बट खाना खा लूँगा तो फिर नींद आ जाएगी, वो भी एक टेंशन है यार। आज के राइड में मतलब हर चीज़ों को सोच समझ के ही करनी पड़ रही है, कोई नहीं थोड़ा और ये कौन सा घाट है क्या पता नहीं मुझे भी, बट ये बस एक सिंगल लेन है जिधर बस एक ही रोड चालू है जिधर से आने के लिए और जाने के लिए सेम जगह है, उसमें सब बड़े गाड़ी चल रही है इधर, और आजू बाजू में कई सब रोड बन रहा है। तो इतना सड़ सड़ के पीछे से चलना पड़ रहा है ना, ये देखिए इंडिकेटर कौन देगा क्या मालूम, ये लोग को फंस गया है, ये फंस गया है क्यों भाई, नहीं जब नहीं बैठ रहा जजमेंट तो क्यों करना है क्या मालूम, फंस गया था ये ऑलमोस्ट, अगर इसने इसको जगह नहीं दी रही थी तब ये फंस चुका था पूरा। पहली बात तो ओवरटेक करना ही नहीं चाहिए, और कर भी रहे हो अगर तो देख के तो करो, एटलीस्ट जजमेंट तो करो पहले। इधर से क्लाइमेट पूरा ही चेंज हो रहा है अभी, अभी तक तो छाव वगैरह आ रही थी बट इधर तो बारिश आना चालू हो रही है, हल्की हल्की बूंदे चालू हो गई है, बस इतनी हल्की रहना इससे ज़्यादा मत होना। मैं अभी सब बीच में रुक के फिर से रेनकोट एंड ऑल नहीं डालना चाहता, आ रही तो वैसे हल्की फुल्की है, होप सो ज़्यादा ना है। A few moments later. अरे यार मेरा GoPro भारी है, रुक भी नहीं सकता अभी तो ऐसा हो गया, तो बहुत तेज बारिश आ रही है यार। GoPro साथ दे पाएगा कि नहीं बोल नहीं सकता यार, क्या करूँ रुकना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, बट रुकूंगी किधर वो भी नहीं समझ रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और मैं भी रुक नहीं पाऊंगा अभी, जो मेन मेन सामान था वो तो सब मैंने चलो रेनकोट के अंदर कवर कर लिया, टैंक बैग भी सब टैंक बैग के अंदर भी हर सामान मैंने प्लास्टिक के बैग में कैरी किया है तो उसका तो कोई टेंशन नहीं है मेरे को, बस मैं भीगते भीगते जा रहा हूँ अभी।
थोड़ा गोप्रो के लिए डर लग रहा है, बट मेरे को लगता है बेचारा कर लेगा हैंडल। सबसे वर्स्ट सिचुएशन बारिश में ट्रैफिक यार, लिटरली मतलब भीगते भीगते खड़ा हुआ आराम से मस्त। और इधर पता नहीं मगर गूगल मैप कोई अलग रूट से लेके जा रहा है, क्योंकि मैं पहले भी गया हूँ पर ये रूट से नहीं गया हूँ कभी मैं, क्या पता क्या हो रहा है अभी। क्लाइमेट में बोलते ना चार चांद लग गए पूरे, उधर देखो सामने पहाड़ों में फॉग आ गया पूरा, और हल्की हल्की नहीं अच्छी खासी ठंडी भी लगने लग गई है इधर। एक तो पूरा भीगा हूँ मैं, ऊपर से ठंडी हवा चल रही है और आगे तो पहाड़ों में फॉग भी दिख रहा है अभी तो वो सामने उधर। और यहाँ से अभी भी 86 किलोमीटर है और ये रूट मेरे लिए एकदम नया है, क्योंकि ये रूट से मैं पहले नहीं गया हूँ। अभी देखते हैं क्या नया एक्सप्लोर करते हैं इस राइड पे। उधर देखो पूरा आसमान खाली है, बस इतने ही एरिया में बादल बादल दिख रहे हैं और इधर ही बारिश हो रही है, और सामने तो देखो और बारिश भी दिख रही है। क्या सही हो गया है देखो ना क्लाइमेट, पूरा ग्रीनरी, पूरा गांव वाला वाइब, मस्त बारिश, पूरे हरे हरे पहाड़। देखो इधर पूरा ग्रीनरी है, उधर सामने बारिश नहीं हो रही, उधर पूरा खुला है और इधर अच्छी खासी बारिश हो रही है और मैं दोनों के बीच में ही चल रहा हूँ। फाइनली गाइस ऑलमोस्ट डेढ़ घंटा हम लोग कंटिन्यूस बाइक चला रहे हैं बारिश में, तो कंडीशन देख लो हाथों की। और अब जाके बारिश खुली और अभी मैंने गोप्रो लगाया, बट यार क्या सीनिक व्यू था, लिटरली मालूम नहीं मैं पहली बार ये रोड से आ रहा हूँ, कौन सा तो डैम लगा था बीच में, इतना सीनिक जगह थी ना वो। बट बारिश की वजह से हम भी रुक नहीं पाए और गोप्रो मैंने निकाल के रखा तो वो शूट भी नहीं कर पाया। बाकी क्या खूबसूरती है यार कोकण की, फुल गांव वाइब, पूरा ग्रीनरी, अरे रे 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 रे। एक तो सिंगल रोड है ना, अभी हम लोग को ठोकर मत मार देना। इधर तो पूरा प्लैनेट ही अलग ही लगता है, ये देख ये हाईवे पे गाड़ी चला रहा है लगता है इसको पूरा। देखो ना सब जगह बस लाल कलर की मिट्टी है, पूरे पहाड़ लाल मिट्टी के इधर। होप सो अभी दोबारा बारिश ना है यार, मेरे को लिटरली हालत मेरे हाथों की, पूरा भीग चुका हूँ पूरा, मतलब मेरा सब बैग एंड ऑल कपड़े ये सब भीग चुके हैं। अभी होटल जाने पे सब सुखाना पड़ेगा पहले मेरे को, तो बारिश की वजह से स्पीड भी मेंटेन नहीं करने हो रही, तो ऊपर से बीच में रोड इतना ख़राब था, ये एक तो ये घाट एरिया था और पूरा घाट बन रहा है, मतलब ऐसा कंक्रीट का रोड बन रहा है, इतना रोड ख़राब था ना। बट सो फार सो गुड, अभी पूरा वेदर क्लियर मिल गया है। मेन इशू ये है कि उधर जाके बारिश की वजह से घर में ना बैठना पड़ जाए, वैसे चलो राइड तो हो जाएगी मगर एक्सप्लोर भी करना है मुझे। बस ऐसे रहे कम से कम 30-40 किलोमीटर ऐसे ही रहे, जो 50 किलोमीटर बाकी है लास्ट के उसमें 30 किलोमीटर ऐसे ही रहेगा, 20 किलोमीटर का फाइट मैं कर लूँगा। गाइस लगता है ये राइड बहुत महंगी पड़ने वाली है, गोप्रो बीच बीच में बार बार बंद हो रहा है, पूरा भीग गया था वो, अभी थोड़ा टेंशन आ रहा है मेरे को। एक तो वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, अगर कर भी रहा है तो बीच में अपने आप बंद हो रहा है, फाइल रिपेयर होने का बस वो प्रोसेस दिख रहा है, रिपेयर नहीं हो रही है, आई डोंट नो अभी क्या होने वाला है। अभी यहाँ से वैसे तो 38 किलोमीटर और बाकी है, अब
अभी भी 38 बट ऐसा रोड रहेगा और बारिश भी है तो मैं फटाफट तो स्ट्रेच कर ही रहा हूँ। ऑलमोस्ट 4 बजने आ गया यार, 11:30 बजे निकला था मैं, 3 घंटा वो हो गया, 3:30 पौने 4 होने आ गया। हाँ अभी जाके धूप मिली है थोड़ी, कितना सुकून मिला ये धूप देख के भी, अभी जाके कपड़े सूखेंगे थोड़े। मैं हूँ भी किधर, अभी लिटरली यार ऐसा हो गया, अब कब रूम पे आके पहले चेंज करो, पूरे कपड़े गीले पड़े यार ये, और गीले कपड़े में अलग ही एक बॉडी पेन होने लगता है मेरे, तो शोल्डर पता नहीं क्यों दुख रहे हैं। एक तो मैं बहुत दिन के बाद राइड किया इसके लिए, जब गीले कपड़े डाल के राइड कर रहा हूँ इसलिए, और शोल्डर पेन कर रहे हैं अभी मेरे।